संवेदिया पत्र देकर गया आपके लिए। हाँ। गण गणपतये नमः। बाहर देखना बंद कीजिए सरकार, हम नहीं आने वाले। अगर शर्माना बंद किया तो परेशान होना शुरू कर दिया, चेहरे पर चिंता की रेखाएं गहरी हो जाएं तो झुर्रियां पड़ जाती हैं, समझ ल। हमें आपके चेहरे पर एक ही रेखा पसंद है, आपकी मुस्कुराहट। मीठी मीठी बातें करने से कुछ नहीं होगा, मुझे क्रोध आ रहा है तो बस आ रहा है। हम जानते हैं कि आपको क्रोध आ रहा है, आना भी चाहिए। आखिर हम आपकी अनुमति लिए बिना एक ऐसे कार्य पर गए हैं जहां से हम कब लौटेंगे स्वयं हमें भी नहीं पता। ऐसी कौन सी जगह गए? आप कहती हैं ना, एक काम में सफलता मंजिल नहीं होती, दूसरे काम तक पहुंचने की सीढ़ी होती है। तारा रानी साहेब भी यही सोचती हैं। इसलिए कमरुद्दीन के विरुद्ध सफलता से प्रभावित होकर तारा रानी साहेब ने हमें बहुत बड़ा दायित्व सौंपा है, जिसे पूरा करने के लिए कुछ समय तक हमें सासवड़ से बाहर रहना पड़ेगा। ये कार्य अत्यंत गोपनीय है, इसी कारण लौटने तक हम ना तो आपको कोई पत्र लिख पाएंगे और ना ही कोई सूचना भिजवा पाएंगे। नहीं नहीं, रड़ो ना का, रोइए मत सरकार, संभालिए अपने आप को। और सुनिए, जब तक हम नहीं लौटेंगे आप बच्चों की आई भी हैं और बाबा भी। अगर आप विचलित हो गई तो बच्चों को कौन समझाएगा? सरकार, अब आप ही उनकी रक्षक हैं, उनका ध्यान रखिएगा और अपना भी। होगा अपना दायित्व निभाइए, मैं अपना दायित्व निभाऊंगी। क्षमा कीजिए, जानती हूं आपने रोने से मना किया, और ये भी जानती हूं कि मैं एक वीर की पत्नी हूं, मगर क्या करूं, आंसू बहादुरों का रोब नहीं मानते। अब चिंता मत कीजिए, मैं बच्चों का ध्यान रखूंगी। आई, आई। हाँ। आई। हाँ, आ गए। सीता का विवाह हो गया। अरे बाजी कहाँ है? अब चाहे मैं हारूं या जीतूं, मगर लड़ूंगा जरूर। अब चाहे तू अकेला लड़ या इन सबको साथ लेकर लड़। सीख लेना सिर, मराठी झुकता भी है तो भी पगड़ी नहीं गिरने देता।
पकड़ना ही था तो थोड़ी श्रद्धा से पकड़ता। बचेगा तो नहीं अब हुजूर, अगर यहाँ से गिरकर ना मरा तो नीचे और भी दर्दनाक मौत इंतजार कर रही है। ये मरुभूमि है, यहाँ बहुत ही जहरीले कोरपड़ रहते हैं, यहाँ से ये जिंदा बचकर नहीं निकल पाएगा। भैरवगढ़ मुगलों के हाथ गया है, मात्र किले के द्वार ही नहीं, हमारे भाग्य के द्वार भी बंद है। हमारे पति जो किले के अंदर व्यापार के सिलसिले में गए हुए थे, तब से वही कैद है, गुलाम है। मुगल उन आम लोगों से
मजदूरों की तरह काम करवाते हैं। वर्षों से हमारे पति इस दीवार पर दिए जलाते हैं, इस आशा में कि दीयों की रोशनी में उन्हें वापसी का मार्ग दिख सके। और हर सुबह मुगल सेना के मराठी सैनिक आकर इनमें से कुछ दीयों को उल्टा कर देते हैं। क्यों? ताकि ये बताने के लिए कि कल किले में हमारे लोगों में से और कितने जीवन बुझ गए। क्यों अपने आप से लड़ नहीं पाते? जिस आग को सिर्फ दिया बनकर जलना आता है, वो देर सवेर बुझ ही जाता है। खास जीना है तो मशाल बनकर जलाना भी सीखना होगा। जीवित रहने का अधिकार उसी को है जो जीवन के लिए लड़ना जानता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों की ताकत को तलवारों में तौला था, उस साहस की आग को फिर से जलाना होगा, वरना अंधेरे के सांप डसने में देर नहीं करेंगे।